गिरिडीह सदर अस्पताल और चैताडीह मातृ शिशु सदन केंद्र का निरीक्षण शुक्रवार को प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद ने किया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल भी मौजूद रहे। यहां सबसे पहले रियाज अहमद ने सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद रियाज अहमद पपरवटार स्थित मातृत्व शिशु केंद्र पहुँचे और यहाँ भी पूरी व्यवस्था का अवलोकन किया। यहाँ की व्यवस्था से प्रशिक्षु IAS नाखुश दिखे और व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। बताया गया कि इन्होंने कई आवश्यक सुधार के लिए अस्पताल अधिकारियों को कहा है। इस बाबत इन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर इनके द्वारा निर्देशित किया गया है, खासकर बाहर से दवाइयों को मंगवाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा भी इन्होंने मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी। यहाँ पर सुचारू रूप से अस्पताल का ये संचालन होता नहीं है, तो कल हमने कुछ काफ़ी खामियां यहाँ पे देखी गई थी कल के दिन पे। आज वापस से हम और सिविल सर्जन साहब दोनों भी यहाँ पे विजिट किए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वीक में हम कोशिश करेंगे कि मैं और सिविल सर्जन साहब हर वीक में इनसे चैताड़ी में आएँ, ताकि सारे प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन किया जाए। कुछ कुछ निर्देश हॉस्पिटल मैनेजर को, ड्यूटी सुपरिटेंडेंट को दिया गया है। बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनका ड्यूटी कंटिन्यूसली 3-3 साल तक देखा जा रहा है कि एक ही ड्यूटी में है, उनकी ड्यूटीज चेंजेस करने के लिए कहा गया है। कुछ कुछ हमको यहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई है जिसको और भी सुचारू रूप से करने के लिए हमें यहाँ पे निर्देश दिया गया है। जैसे कि कुछ मेडिसिन पेशेंट्स को बाहर से नहीं खरीदना है, इस संबंध में बहुत सारी मेडिसिन है जो कॉस्मेटिक मेडिसिन है जो बाहर से लिखा दी जा रही थी, उसको हमने यहाँ पे कोशिश की है कि अब इसके बाद में कोई भी कॉस्मेटिक मेडिसिन बाहर से नहीं लिखेंगे। इसके अलावा फीमेल वार्ड में एक साइन बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है, लिखा जाएगा कि कोई भी पेशेंट को मेडिसिन बाहर से नहीं खरीदना है। जो भी मेडिसिन बाहर से लिखवाती है उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है जो कि रिम्बर्स होता है सदर अस्पताल से, तो जितने भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा उसका रिम्बर्समेंट के लिए हमको बिल भी सबमिट करना होगा।